रात के 8 बज चुके हैं। हम लोग अभी नानक मेहता आए गुरुद्वारा, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे गुरुद्वारा है नानक मेहता। तो अभी हम अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं, ये बाहर का व्यू है। अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं पुण्यगिरी से, देख लीजिए काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है नानक मेहता गुरुद्वारा। ये हाईवे को रास्ता गया हुआ है, अभी अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं, बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। दोस्तों हम लोग अब जाने वाले हैं अंदर गुरुद्वारा के, अभी अंदर का आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, चलते हैं। दोस्तों हम लोग गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पैर वैर धुले जाएंगे, देख लीजिए हम लोग यहाँ पैर धुल करके, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं और आप लोग देखें कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पे हैं। यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, पर हम मतलब बहुत रिस्क लेकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रात का टाइम है, बंद होने वाला है गुरुद्वारा, तो आप लोग देख लीजिए और ये पूरा देख लीजिए जल्दी से, और अंदर कहाँ व्यू मुश्किल है हम दिखा पाएँ अगर आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्ती बरती जा रही है, कैमरा फ़ोटो वोटो लेना अलाउड नहीं है, आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों हम अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो आप लोगों को हम बाबा जी के दर्शन नहीं करा पाए। हम लोग जा रहे हैं लंगर से अपने, अब वहाँ से ही हम लोग फिर घर के लिए निकल जाएंगे। रात काफ़ी हो गई, हम लोगों को अभी यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर जाना है। तो आप लोगों को जैसा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भाई आ चुके हैं लंगर के लिए, यहाँ पे यहाँ अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं खाना बन रहा है। यहाँ से हम लोगों को थाली लेनी है, थाली लेनी है और उसके बाद बैठना वहाँ पे लंगर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं, अभी हम लोग भी बैठेंगे खाने के लिए, लंगर के लिए बैठते हैं यहाँ पे अभी। तो दोस्तों हमारी दाल आ चुकी है, बाबा जी दाल दे रहे हैं। तो दोस्तों रोटियाँ आ चुकी हैं, हम लोग अब खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग लंगर पा चुके हैं, अब हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ से काफ़ी लेट हो गया हम लोगों को है, अभी यहाँ से देखते हैं कितने टाइम पहुँचते जाके हम लोग। ठीक है, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भाई सपोर्ट करो यार, अपने भी भाई को सपोर्ट कर लो।